हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पतले हल्के बालों के लिए हेयर स्टाइल। आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बाल झड़ने लग जा रहे हैं। तो आप बन बनाते हो तो बहुत छोटू सा बन बनता है जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप एक डोनेट बन की हेल्प से अपने बन को बहुत ही सुंदर, अट्रैक्टिव एंड बड़ा दिखा सकते हो और काफ़ी लगेगा कि वॉल्यूम है, आपके बालों में बहुत वॉल्यूम है। तो किस तरीके से करना है सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी तरीके की नई नई वीडियो के अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए हेयर स्टाइल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने बालों की मिडिल पार्टिंग करनी है और ईयर टू ईयर पार्टिंग करके फ्रंट वाले हेयर्स को ऐसे ही छोड़ देना है दोनों साइड से। ओके, फिर अच्छे से बालों को कॉम कर लेना है। डोनेट बन हर साइज़ का मिलता है, तो अगर आपके हाल बाल बहुत छोटे हैं तो आप छोटा डोनेट बन यूज कीजिएगा। अगर पतले हल्के हैं लेकिन लंबे हैं तो आप थोड़ा सा बड़ा डोनेट बन यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ का डोनेट बन यूज करूँगी। ओके, इस तरीके से कॉम कर लेंगे। कॉम करने के बाद से एक रबड़ बैंड से अच्छे से टाइट करेंगे बालों को, टाइटली एकदम लगाएंगे रबड़ बैंड को। आप ब्लैक रबड़ बैंड का यूज कीजिएगा, कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हैं तो ब्लैक रबड़ बैंड ज़्यादा अच्छा दिखता है। इस तरीके से करने के बाद से हल्का हल्का बालों को खींच लेंगे ताकि जो ऊपर का यहाँ का बाल अगर आपका बहुत झड़ चुका है तो उसमें वॉल्यूम आ जाए और आपका हेयर स्टाइल भी अच्छा दिखे। तो इस तरीके से खींचने के बाद से आपको लेना है एक डोनेट बन अपने बालों के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज का डोनेट बन ले रही हूँ। इसको सिंपली अपने पोनी रबड़ बैंड के ऊपर लगा देना है और इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए जो आपका डोनेट है उसको हाइड करते हुए ऐसे लेके जाएंगे। तो जिसको जिसके भी हेयर बहुत पतले हल्के हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरीके से अच्छे से हाइड करते हुए, सॉरी बार बार मुझे खोलना पड़ जा रहा है, अच्छे से इस तरीके से सिक्योर करते हुए डोनेट बन के ऊपर से हेयर को लेके आएंगे। ओके, और यू पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे। तो छोटे पतले बालों में भी इस तरीके से आप बड़ा सा मैसी बड़ा सा बन बना सकते हो जो कि एकदम नेचुरल लगता है। मैं यहाँ पे यू पिन ऐड कर रही हूँ। सॉरी गाइज, कस्टमर आ गए थे जिसकी वजह से मुझे वीडियो रोकना पड़ा बीच में। और इस तरीके से मैंने सारे तरफ से यू पिन लगा के इसको अच्छे से सेट कर दिया है और जो मेरा बन है वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है और एकदम टाइट है जिससे कि एकदम नेचुरल सा लुक आएगा। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैंने यहाँ पे कुछ यूज किया है बन के अंदर। अभी आपको साइड के जो हेयर बचे हुए थे इनको सिंपली अच्छे से कॉम करना है और बैक साइड में ले जाके यहाँ से ट्विस्ट करते हुए जैसे क्रॉस करते हैं उस तरीके से लेके आना है। अगर आपका बाल लंबा है तो पूरा रैप कर लीजिएगा बन के चारों तरफ, और मेरा छोटा है तो मैं यहाँ पे यहीं पे इसको ख़त्म कर दे रही हूँ। फिर दूसरे वाले साइड के भी हेयर को ऐसे लेके जाना है। ओके, और फिर से दूसरी साइड ले जाके ट्विस्ट करेंगे यहाँ पे। और बन के चारों तरफ लपेट के यू पिन से सेट कर देंगे और ये हमारा ब्यूटीफुल सा इजी सा बन बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया पतले हल्के बालों के लिए जो कि काफ़ी इजी है एंड बहुत ही अच्छा सा वॉल्यूम दिखेगा आपके बालों में, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये बैक का लुक है और ये है हमारा फ्रंट का लुक।
तो कैसा लगा आपको ये वाला हेयर स्टाइल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चलिए सेकंड हेयर स्टाइल बता देती हूँ, वन डोनेट वन की मदद से। जो दूसरा हेयर स्टाइल होगा उसको पूरे बालों को एक साथ ले लूँगी मैं पहले। और एक पोनी बना लेंगे। फिर से डोनेट लेंगे हम लोग। बाल का सिर्फ आधा हिस्सा लेना है और डोनेट बन को इस तरीके से इसमें लगाना है और इसको रैप करते जाएंगे, इस तरीके से लपेटते जाएंगे डोनेट बन के ऊपर। और जो हेयर है उसको डोनेट पे चारों तरफ से फैला देंगे और एक एकदम ऊपर में ला के यहाँ पर यू पिन से सेट कर देंगे डोनेट बन को अच्छे से हाइड करते हुए। मतलब जो आपका डोनेट है वो दिखना नहीं चाहिए बालों के अंदर से। दो तीन यू पिंस लगा के अच्छे से इसको सेट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद से जो आपका हेयर बचा हुआ है नीचे इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इस तरीके से क्रॉस कर देंगे और सिंपली ऐसे जो आपका डोनेट बन है उसके चारों तरफ लपेटेंगे और यू पिन से सिक्योर कर लेंगे। अगेन दूसरी साइड के भी बालों को लेंगे और इस तरीके से लपेटेंगे क्रॉस करते हुए, दूसरी साइड लेके आएंगे और इसको भी यू पिन से सिक्योर कर लेंगे। और जहाँ भी आपको लगे कि आपका डोनेट बन दिख रहा है वहाँ पे आप यू पिन लीजिए और अच्छे से सेट कर दीजिए उसको। और ये हमारा सेकेंड बन हेयर स्टाइल है जो कि पतले हल्के बालों में काफ़ी अच्छा स्टाइलिश सा दिखेगा एंड बहुत वॉल्यूम दिखेगा बालों में। तो कैसा लग रहा है आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको दोनों हेयर स्टाइल पसंद आए हों। और फ्रंट से बहुत फ्लैट लुक दिख रहा है तो इस तरीके से खींच लीजिए बालों को, थोड़ा सा वॉल्यूम दिखे इसके लिए। और यहाँ पे भी जैसे अच्छे से नहीं आया है तो यहाँ पे मैं एक यू पिन लगा दूँगी दोनों साइड के हेयर को पकड़ के। ओके, तो ये है सेकेंड वन का फाइनल लुक। तो आपको दोनों में से कौन सा हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगा? मुझे तो फर्स्ट वाला मेरा फेवरेट है। अगर मैं साड़ी वगैरह डालती हूँ तो वो हेयर स्टाइल जरूर करती हूँ और इजीली बन जाता है। और छोटे बाल हैं, पतले बाल हैं तो भी बहुत अच्छा सा लुक आता है और नेचुरल सा दिखता है। और ये भी हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा है अगर आपको हाई बन पसंद है, आपके बाल बहुत पतले हल्के हैं तो आप इस तरीके से, मैंने मतलब मीडियम पे रखा है, आप चाहो तो यहाँ पे भी बना सकते हो, ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, दूसरे चैनल पर भी जरूर जाएगा जहाँ पर मैं सिलाई के से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करते रहते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।